अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू एल्लोरी जो लोग परेशान थे, जो बीमार हुए हैं, उनको बेड का इंतज़ाम किया और अपनी हैसियत के मुताबिक उन्होंने जो है ना उनको अपने ज़ाती पैसों से इलाज भी करवाया और साथ में अपने कुत्तल बसवेश्वर देवस्थान के जो ट्रस्ट चलता है वहाँ के टीचर्स को भी जो है ना राशन किट का इंतज़ाम किया और ऑटो ड्राइवर्स को तकरीबन 450 के ऊपर ऑटो ड्राइवर्सों की जो है परेशानी ना देखकर उन्होंने गरीबों के लिए दो चार दिन जो भी हो सकता है वो मेरे तरफ से जो है ताकि वो पेट भरे, अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सुकून महसूस करें, ये महसूस कर उन्होंने जो है राशन किट भी जो है इंतज़ाम किया। साथ में ऐसे कई कारनामे, एक मिसाल के तौर पर IAS IPS के कई गरीब बच्चों को जो है ना वो खुद फीस देकर कोचिंग भी जो है करवा रहे हैं और मैं उसका भी शुक्रिया अदा करता हूं। और हमारे इलाके में कुछ लोग हैं 100 देकर जो है ना 1000 का प्रचार करते हैं, मुझे अफसोस होता है। और साथ में अभी सारे तालुके के गरीब गुरबा को परेशान हाल देखकर उन्होंने सारे तालुके के गरीबों को देखकर उन्हें भी जो है राशन किट का इंतज़ाम किया है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि आने वाले दिनों में ऐसा लीडर हमारे तालुके में अब तक नहीं थे और अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये हमारे तालुके में उभरे, अल्लाह उनको जो है यहां का आने वाले दिनों में लीडर चुने, MLA बने, ये हमारी दुआ है। और भाइयों, आप सभी लोगों से भी हमारी अपील है कि बालराज साहब जो है ना जो कुछ कर रहे हैं वो अपने ज़ात के पैसों से कर रहे हैं और उन्होंने किसी से जो चंदा पट्टी नहीं किया ना उनको और किसी की मदद है, वो अपनी ज़ात से कर रहे हैं। और जब कभी भी कोई ज़रूरत पड़े तो जो जायज़ है, कुछ लोग ऐसा काम लेकर आते हैं वो कर नहीं सकते। आज तक जो है ना उन्होंने सेलम तालुके के ग्राम पंचायत मेम्बर नहीं बने, TBS मेम्बर नहीं बने, ज़िला पंचायत मेम्बर नहीं बने, उन्होंने जो है सेलम को वो कौन से ज़माने का जो है ये पता नहीं है, सेलम के लोगों की खिदमत करने के लिए एक ऋणा इसको बोलते हैं ना, एक ऋण लेकर हमारे सेलम तालुके को आए हैं। ऐसे लोगों को उभारना हमारा तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है, आने वाले दिनों में इनका साथ देंगे, इस उम्मीद के साथ मैं अपनी दो बात ख़त्म करता हूँ। सेलम के हमारे बालराज गुत्तेदार साहब का टैक्सी स्टैंड वालों के और ऑटो वालों के तरफ से मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा चाहता हूँ।